इतने लोग आप सभी लोग के माध्यम से मैं देख रहे हैं, सभी लोग को बार बार प्रणाम। और मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए आप कैसे। हर हर गंगे में मैंने कैमियो किया है और हम इंडस्ट्री में बोलते हैं कि हम सभी लोग एक हैं, एक है। अभी आप देखेंगे बॉलीवुड में कि छोटी सी एंट्री होती है, लेकिन जब भी माने शाहरुख खान जी की भी पठान आई थी तो उसमें सलमान खान जी ने एक थोड़ी देर के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने दिखाया कि नहीं हम सभी एक हैं। बॉलीवुड में अधिकतर फिल्में जैसे ओम शांति ओम में आपने देखा होगा एक ही सॉन्ग में कई सारे स्टार्स आते हैं। तो मेरे पास जब ये ऑफ़र आया श्री चंदन उपाध्याय जी, जो कि हमारे बड़े भाई, उन्होंने मेरे साथ 6 फिल्में किया है, और उन्होंने जब बताया कि हम ये फिल्म बना रहे हैं तो मैंने बोला चलिए अच्छी बात है, गंगा स्वच्छ अभियान के ऊपर ये फिल्म बनता है तो हिंदू होने के नाते, एक हिंदुस्तानी होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि माँ की रक्षा के लिए अगर ये फिल्म बन रही है तो हम भी इसमें थोड़ा बहुत जो भी होगा मेरे तरफ से मैंने सहयोग किया। और दर्शक काफ़ी प्यार दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। जो भी अच्छी फिल्में आए आप लोग उसे देखिए और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। 26 मई को आप सभी के बीच शादी मुबारक आप सभी के नज़दीकी सिनेमा घर में रिलीज होगा। बहुत दिनों से लोगों को इंतज़ार था, तो रियल में तो शादी हो गया, अब रियल में शादी मुबारक देखने के लिए तैयार हो जाइए आप लोग। 26 मई को आप सभी के बीच हमारी ये फिल्म रिलीज होगी। बोल सकते हैं कि कुछ टेक्निकल इशू हो गई थी, एंड फिल्म जो भी है प्रॉपर तरीके से जब रेडी हो जाए, एंड कुछ था इशू इसीलिए हो सकता है थोड़ी सी लेट हुई। और धड़ाधड़ सबकी फिल्में आ रही थी तो हो सकता है कि क्योंकि सिनेमा हॉल्स बड़े कम बचे हैं और उसी में अगर हम आपस में सारे लोग टकराएंगे तो अच्छी बात नहीं है, एक दूसरे का ही घाटा होता है। तो अभी एक अच्छा समय मिला है, एक अच्छा मुहूर्त मिला है, तो आप सभी के बीच ये फिल्म 26 मई को आ रही है। हम आप सभी के माध्यम से निवेदन करना चाहेंगे कि एक अच्छी फिल्म, एक शिक्षा व्यवस्था के ऊपर जो हमारी ये फिल्म आई है, फुल इंटरटेनिंग कॉमेडी इमोशन तो है ही, लेकिन इस फिल्म का ही उद्देश्य है कि पढ़ाई क्यों ज़रूरी है। शादी ब्याह तो सब लोग करते बा, लगन चला था जहाँ देखब एकदम हमेशा हर जगह डीजे बजता, गाना बजाता, लोग डांस करता, नाचता। लेकिन शादी के साथ साथ शादी खातिर कौन चीज़ चाहिए, हमने के बिहार यूपी में खास करके ध्यान दिया जाला कि लड़का क्या करेला, सरकारी नौकरी करता है या प्राइवेट जॉब करता है। तो सरकारी नौकरी या प्राइवेट जॉब के लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी होती है, तो पढ़ाई पे हम लोग फोकस किए और सारे लोग का था कि भोजपुरी में एक ऐसा फिल्म बने जिसमें लगे कि नहीं यार कुछ संदेश है। हर फिल्म का एक उद्देश्य होता है कि मैसेज दें, तो इस फिल्म में एक बहुत बड़ा मैसेज है शिक्षा को लेकर। तो हम चाहते हैं कि सारे जो हमारे यूथ भाई हैं, जितने युवा भाई हैं, आप लोग जाइए और इस फिल्म से ज़रूर कुछ ना कुछ आप लोग सीखेंगे। गाने तो अभी बहुत सारे आए हैं और सभी लोगों को आप लोग ढेर सारा प्यार दे रहे हैं। जितना थैंक यू कहेंगे दर्शकों को जो सॉन्ग को सुनते हैं उतना कम होगा, बचपन से ही आप लोग प्यार दे रहे हैं। और मैं हमेशा बोलता हूं कि जब तक इस, चाहे मैं ही नहीं जितने भी कलाकार हैं जो दर्शकों के लिए जीते हैं, जो श्रोता के लिए जीते हैं, वो एक ही बात बोलते हैं कि जब तक इस शरीर में सांस रहेगी तब तक आप लोगों का मनोरंजन हम लोग करते रहेंगे। तो बस दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि ये प्यार आप लोग का जीवन दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, ऐसे ही प्यार बढ़ाते रहिए, क्योंकि कलाकार को जितना आप लोग प्यार दीजिएगा उतना ही कम होता है। अगर नहीं स्पेशल आजकल आते भाभी को घर के मलकिनिया आई बाजो उनकी आप लोग काफ़ी प्यार दे कि तू ही बाड़ू घर के मलकिनिया, हमारे सर के बहिनियाँ हो, कि तोहरे नामे कह देब घर आ जमीनिया, ना बन तू नगिनियानु हो।